उस समय के मगध सम्राट अजातशत्रु गौतम बुद्ध के पास आए और बोले, बुद्ध, आपसे मिलने से पहले मैं एक निर्दयी और खुखार सम्राट के रूप में प्रसिद्ध था। लोग मेरा नाम सुनते ही वैसे कांपने लगते थे। मैं किसी के जान लेने से पहले एक पल के लिए भी नहीं सोचता था और छोटी छोटी गलतियों के लिए भी अपराधियों को मृत्युदंड की सजा सुना देता था। लोग मुझे मृत्यु का दूसरा रूप मानते थे और पड़ोसी राज्य हमेशा इसी खौफ में रहते थे कि पता नहीं मैं कब उन पर हमला करके उन्हें बर्बाद कर दूं, जैसा मैंने वैशाली राज्य के साथ किया था। कोई भी राज्य मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचने या मगध पर हमला करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। लेकिन मैं जब से आपके शरण में आया हूँ और आपके अहिंसा के विचारों को जीवन में अपनाया है, तब से लोगों के बीच मेरा भय बिल्कुल ही खत्म हो गया है। मेरे राज्य में अपराधियों की संख्या बढ़ गई है, रोज नित्य अपराध होते हैं। मेरे सेनापति और मंत्री मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। पड़ोसी राज्य मगध सम्राट के सीमाओं की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं और मगध की व्यापारियों के व्यापार में बाधा उत्पन्न करते हैं। सम्राट आचार्य शत्रु आगे कहा, बुद्ध, मैं आपके अहिंसा के विचारों को समझता हूँ, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न है। बुद्ध ने कहा, निसंकोच कहो। अजात शत्रु ने कहा, एक राजा का कर्तव्य है कि वह अन्याय के खिलाफ युद्ध करें, अपने राज्य के नियमों का प्रजा से सख्ती से पालन करवाएं, लेकिन इसमें अहिंसा होगी, लोगों को दुख दर्द होगा, खून बहेगा, तो क्या एक अपराधी को दंड देना अनुचित है? क्या आपने राज्य के लिए, अपनी संपत्ति के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए युद्ध करना गलत है? बुद्ध ने कहा, अजात शत्रु, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक बार की बात है, एक गांव में एक बहुत ही विषैला सर्प रहता था। उसने ना जाने अब तक कितने लोगों को काट कर मौत के घाट उतार दिया था। वह जिस वृक्ष में रहता था, लोग उस वृक्ष के पास से गुजरने से भी डरते थे। बच्चे उसके नीचे खेलने के बारे में सोचते भी नहीं थे। फिर एक दिन उसी रास्ते से एक भिक्षु गुजरा और आराम करने के लिए उसी वृक्ष के नीचे बैठ गया। भिक्षु को बैठा देख सर्प उसे काटने के लिए नीचे आया, लेकिन सर्प को आता देख भिक्षु तनिक भी नहीं घबराया। वह पूरे शांत चित्त के साथ वहीं बैठा रहा। यह देख संघ को बहुत आश्चर्य हुआ। वह अपने जीभ बाहर निकालते हुए बोला, मैं एक बहुत जहरीला सांप हूँ, क्या तुम्हें मौत से डरने लगता? भिक्षु ने कहा, मैं जीवन और मृत्यु से ऊपर उठ चुका हूँ, अब मुझे किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता। भिक्षु ने सर्प को दे दिया कि जो तुम कर रहे हो वह हिंसा है, जो तुम्हारे काटने से लोगों को बहुत प्रिया होती है और कई बार तो उनकी मृत्यु भी हो जाती है। भिक्षु की बातें सुन सर्प के अंदर वैराग्य जगा। उसने निश्चय किया कि वह आज के बाद किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगा, किसी को नहीं काटेगा। सर्प अहिंसा हो गया है, सर्प ने काटना छोड़ दिया है। धीरे धीरे यह खबर पूरे गांव में फैल गई। इसके बाद लोगों ने सर्प से डरना ही छोड़ दिया। लोग उसे छेड़ते, बच्चे बेवजह ही उसके पोंछ में पैर रख देते, उसे पत्थर मारते, लेकिन सर्प किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। उसने कीड़े मकौड़ों को भी खाना छोड़ दिया था। रात में कुछ घास फूस खा लेता और सुबह आक्रमण का सामना करता। भूख और पीड़ा से वह बिल्कुल भी कमजोर हो गया था। उसका शरीर इतना घायल हो गया था कि गाँव वाले उसे एक रस्सी से ज़्यादा और कुछ नहीं समझते थे। फिर एक दिन वही बिच्छू दोबारा उसी रास्ते से गुजरा। उसने सर्प की दुर्गति देखी तो बड़ा दुखी हुआ। सर्प को ऐसे लगते हुए उसने पूछा, तुम्हारी ये दुर्दशा कैसी हुई? सर्प ने कहा, तुम्हारी बातें सुनने के बाद मेरे अंदर वैराग्य जगा और मैंने काटना छोड़ दिया। यह सुनकर बिच्छू हंसा और बोला, मैंने तुझे काटने से मना किया था, लेकिन तू अपने सर्प स्वभाव से कैसे विमुख हो गया? तुम्हें फुफाका क्यों छोड़ दिया? बुद्ध ने आगे कहा, किसी भी बात की यदि अहिंसा की व्यति अगर ध्यान से देखें तो हिंसक बन जाती है। अजात शत्रु, अपराधियों में तुम्हारा भय होना चाहिए और उन्हें उनके अपराध की सजा भी मिलनी चाहिए, परंतु ध्यान रहे, न्याय करने वाला अपने निजी शत्रुता के कारण किसी को दंड ना दे, बल्कि अपराधी को उसके अपराध और दुष्कर्मों की सजा ही मिलनी चाहिए। यदि क्रोध, लोभ और ईर्ष्या बीच में आ जाएगी तो न्याय नहीं हो पाएगा। बुराई को भलाई से जीतो, यदि बुराई भलाई पर हावी होने लगे तो मनुष्यता का नाश होगा। यदि बुराई को हटाने के लिए युद्ध भी करना पड़े तो वो भी करो, लेकिन कभी भी उस युद्ध के कारण तुम स्वयं ना बनो। यदि करना ही पड़े तो सिर्फ सही उद्देश्य के लिए ही करो। अजात शत्रु ने बुद्ध के सामने हाथ जोड़ लिए और कहा, बुद्ध,
आपकी इन बातों ने मेरे अंदर के सारे प्रश्न, सारी उथल पुथल को शांत कर दिया है। धन्य वह भाग्य मेरे जो आप मेरे जीवन में पधारे। इसके बाद अजातशत्रु बुद्ध से आज्ञा ली राजमहल वापस चले जाते हैं। दोस्तों, अगर आप गौतम बुद्ध के सिद्धांतों और उनके विचारों के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। तो इसका उत्तर सर्प और भिक्षु की कहानी में ही छुपा है। जिन्हें लगता है कि वह अच्छे इंसान हैं क्योंकि वह सबकी बात मानते हैं, लोगों को खुश रखने की कोशिश करते हैं, हमेशा खुद ही कंप्रोमाइज कर लेते हैं, सबकी मदद करते हैं, किसी को भला बुरा नहीं कहते, किसी पर गुस्सा नहीं करते, तो असल में ऐसे लोग अच्छे नहीं बल्कि कमजोर और बुजदिल होते हैं। क्योंकि ऐसे लोग सच के साथ खड़े रहने से डरते हैं। वह लोगों की नज़रों में अच्छा बनने और लोगों से अपनी तारीफ सुनने की कोशिश में गलत होता देखते हुए भी चुप रहते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का डर रहता है कि अगर मैंने कुछ के खिलाफ बोल दिया तो उसे मेरे संबंध खराब हो जाएंगे, मैं उसके नज़रों में एक अच्छा इंसान नहीं रह जाऊंगा। ऐसे लोग अच्छा बनने की कोशिश में लोगों की हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं, उनकी चापलूसी करते रहते हैं। ये कभी भी अपने अधिकारों के लिए डट कर लड़ नहीं पाते और हमेशा ही खुद की तरफ से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं और लोगों से फिर कहते फिरते हैं कि मुझे संतुष्टि है, मेरे अंदर धैर्य है, इसीलिए मैं पीछे हट गया। लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं होता। ये बस अपने बुजदली को ढकने और लोगों से सहानुभूति पाने के लिए ये गाना गाते फिरते हैं। ऐसे लोगों को लगता है कि इनकी ऐसी आदतों से लोग इन्हें पसंद करते हैं, इन्हें अच्छा इंसान समझते हैं, इनकी इज्जत करते हैं। लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। लोग भले इनके मुख पर कुछ ना बोले लेकिन समझते सब है कि यह इंसान बुजदिल और कमजोर है, ये अपने विचारों का पक्का नहीं है। और जब यह परिवार को समाज में किसी साहसी और बड़े कामों को करने का समय आता है तो ऐसे लोगों को हमेशा पीछे ही रखा जाता है, इन्हें कोई नहीं पूछता, ये बस अपने आप ही अच्छे बने फिरते हैं। तो फिर एक अच्छा इंसान है कौन? एक अच्छा इंसान वो है जो विनम्र तो है लेकिन गलत के आगे नहीं झुकता, वह कंप्रोमाइज भी करता है लेकिन अपने अधिकारों के लिए डटकर खड़ा भी रहता है, जिसके अंदर सच को सच और झूठ को झूठ बोलने की हिम्मत है और बस किसी को खुश करने और उसके नज़रों में अच्छा बनने के लिए उसकी चापलूसी नहीं करता। उसे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग उसके अच्छा कहेंगे खराब, उसे किसी की राय से फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वह जानता है कि वह कौन है। उसे किसी से अच्छा इंसान होने का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, वह बस जो सही है और ज़रूरी है वह करता है और खुश रहता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जब तक संभव हो सके तो माफ़ कर दो, लेकिन अगर सामने वाला फिर भी ना माने और तुम्हारे धैर्य को तुम्हारी कमजोरी समझ ले तो फिर उसे उसे लड़ने से भी पीछे नहीं हटना है। तो कहने का अर्थ ये है कि किसी के साथ अच्छा या बुरा नहीं होता, बस हर इंसान को उसके द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम मिलता है। जो अच्छा होने की दिखावा करता है उसे उसे चापलूसी, गलत के खिलाफ ना खड़े होने, अपने अधिकारों के लिए ना लड़ने, मेहनत ना करने, आसानी से हार मान लेने और सबको खुश करने की कोशिश करने जैसे कार्यों का ही परिणाम मिलता है। और जो स्पष्टवादी है, मेहनती है, जिसने रिस्क लेने की हिम्मत है, जो खुद में भरोसा रखता है, उसे उसे कर्मों का परिणाम मिलता है। और यह जरूरी नहीं है कि किसी कार्य को करना ही कर्म है, मनुष्य की विचार भी उसे कर्म ही, क्योंकि विचार ही हैं जो अंततः कर्मों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यह विचार रूपी कर्म जो हमें दिखते नहीं, हमें इनका भी फल भोगना ही पड़ता है। तो ज़्यादातर लोग जो इस बात की शिकायत करते रहते हैं कि मैंने तो किसी के साथ गलत नहीं किया, फिर मेरे साथ ये गलत क्यों हो रहा है, तो उनके साथ गलत होने का कारण यह विचार रूपी कर्म ही है जो बाहर से दिखते नहीं है लेकिन हमने अपने विचारों में किए होते हैं। इसीलिए इंसान को सिर्फ बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी अपने विचारों से भी अच्छा होना जरूरी है। जो ऐसा है वह कभी भी अपने भाग्य को नहीं कोसता कि मेरे साथ ये बुरा क्यों हो रहा है, बल्कि वह अपने हर परिस्थिति की जिम्मेदारी खुद लेता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें।